हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बोरिंग सी लौकी और लौकी से बना पनीर। बहुत ही मजे की यह सब्जी बनती है और आपको इस सब्जी का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आने वाला है, तो इसके लिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को अगर आप किसी के सामने बनाकर रख देंगे तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि इसे आपने लौकी से बनाया है। इस रेसिपी को खाते ही आप पनीर भी भूल जाएंगे। तो ये देखिए पनीर के स्वाद वाली हमारी ये लौकी की सब्जी, जो पनीर पर भी पड़ जाएगी भारी। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने लिया है एक लौकी। अब लौकी के ऊपर और नीचे के पार्ट्स को हम काट देंगे, लौकी को छील लेंगे और अच्छी तरह से धो लेंगे। धोने के बाद इस तरीके से हम लौकी के पीसेस को कट कर लेंगे। अब इस लौकी को हम पीसेंगे, तो इसे पीसने के लिए यहाँ पर हमने लिया है मिक्सर का जार और इसमें हम लौकी को डाल देंगे। तो लौकी को डालने के बाद यहाँ पर हमने 3 चम्मच दही लिया है और दही को इसमें डालकर पीस लिया है। तो इसके बाद हमने एक बाउल लिया है। अब बाउल में हम अपना पेस्ट जो है निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, लौकी में जो है वो पानी होता है और यह पानी छोड़ता है, इसलिए इसकी बाइंडिंग के लिए हम यूज करेंगे चावल का आटा। तो यहाँ पर हमने 4 चम्मच चावल का आटा लिया है और इसे डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हमने लिया है एक प्लेट। प्लेट में हमने पहले ही ऑयल लगा लिया था। अब हम इसमें अपना जो पेस्ट है उसे डाल देंगे। पेस्ट को डालने के बाद हमें इसे थाली में अच्छे से फैलाना है, तो हम चम्मच की मदद से इस तरीके से पेस्ट को अच्छे से फैला देंगे। अगर आपका पेस्ट जो है वो ज़्यादा गीला लग रहा है तो आप उसमें 1 चम्मच चावल का आटा और मिला लीजिए। तो ये देखिए हमारा पेस्ट जो है वो तैयार है। तो इसे हमने टैप कर लिया है। तो अब हम चलते हैं मसालों की तरफ। मसालों में हमने 2 प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं और उन्हें इस तरीके से कट कर लिए हैं। अब कुछ खड़े मसाले लिए हैं, उसे भी इसमें डाल दिए हैं। तो इन सभी मसालों को हम स्टीम करने वाले हैं अपने पेस्ट के साथ। तो इसके लिए चलते हैं हम गैस की तरफ। अब हमने एक कढ़ाई लिया है, उसमें अपना मसाले वाली जो वाटी है उसे रख देंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। इसके बाद हम कढ़ाई में भी 1 गिलास पानी डाल देंगे। अब जो पेस्ट हमने तैयार किया है उसे स्टीम होने के लिए रख देंगे। अब हम इसे ढक देंगे। 15 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। 15 मिनट में यह अच्छे से स्टीम हो जाती है, तो अब हम इसे ठंडा होने देते हैं और चलते हैं मसालों की तरफ। तो ये देखिए मसालों को हमने निकाल लिया है, ठंडा कर लिया है और टमाटर को छील लिया है। इसके बाद हमने लहसुन, अदरक और कुछ काजू के टुकड़े लिए हैं, इसे भी मसालों के साथ पीस लेंगे। और ये देखिए यह ठंडा हो गया है, तो हम इसे पनीर की शेप में कट कर लेंगे। इससे हमारी सब्जी जो है काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब बनने वाली है। चावल के आटे की जगह आप बेसन का भी यूज कर सकते हैं। बस फर्क इतना है कि बेसन डालने से यह आपको कढ़ी का टेस्ट देगा। अब एक पैन में हम ऑयल डाल देंगे और ऑयल को अच्छा गर्म होने देंगे। जब हमारा ऑयल जो है अच्छा गर्म हो जाए तो हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और इसे तड़कने देंगे। जब हमारा जीरा अच्छे से तड़क जाए तो हम इसमें 1 सीक्रेट डालेंगे। वो सीक्रेट ये है कि हम इसमें 1 चम्मच मलाई डालेंगे। मलाई से इस सब्जी का टेस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा और यह आपको मलाई पनीर के जैसा ही लगेगा। तो अब यहीं पर हमने जो मसाले पीस कर रखे थे वो सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे। मसालों को हमें मीडियम से लो फ्लेम पर अच्छे से भूनना है। तो यहाँ पर हमने कुछ गरम मसाले, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और हरे बटाने भी डाल दिए हैं। इसके बाद हम इन्हें अच्छी तरह से भूनेंगे। ध्यान रहे मसाले जो है वो जलने नहीं चाहिए, नहीं तो सब्जी का टेस्ट जो है वो बिगड़ जाता है। तो बस 2 से 3 मिनट तक हम इसे अच्छे से ढक देते हैं और पकने देते हैं, और तब तक मसाले हमारे भूनकर और पककर अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए हमारे मसालों में से पानी भी
जल गया है और मसालों में से ऑयल निकलने लगा है, तो यहीं पर हम नमक डाल देंगे और फिर से इसे ढक देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसे खोलकर चेक करेंगे, तो 2 मिनट हो गए हैं और ये देखिए मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं। तो अब हम मसालों में अपने पनीर को डालेंगे। तो मसाला भुन गया है तो हम एक एक करके पनीर को इस तरीके से डाल रहे हैं। लौकी से जो पनीर हमने बनाकर तैयार किया है उसे हम सावधानी पूर्वक डालेंगे क्योंकि वह ज़्यादा सॉफ्ट होता है। हाँ, अगर हमने उसे पहले ही बनाकर 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज कर लिया है तो वो थोड़े कड़क हो जाते हैं, लेकिन हम ताज़े ताज़े बना रहे हैं तो थोड़े सॉफ्ट होते हैं। तो पनीर डालने के बाद हम इसमें पानी डालकर इसे ढक देंगे और पकने देंगे 10 मिनट के बाद। ये देखिए 10 मिनट के बाद ये जो है पक चुकी है, तो हम इसके बाद ठंडा कर लेते हैं और इसके ऊपर धनिया के पत्ते डाल देते हैं। और ये देखिए हमारी लौकी से बनी पनीर जो है तैयार है, और इसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ये पनीर जो है वो लौकी से बना है। तो बस इस रेसिपी को आप भी बनाइए और ट्राई करिए, और आपको यह रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद